तो यार कैसे हैं आप लोग, स्वागत है आप सभी का एक ब्रांड न्यू वीडियो में। तो यार आज के इस वीडियो में हम टीयर 2 लेवल 60 गियर्स 20 सरसी की रिव्यू करने वाले हैं और देखने वाले कि कितनी जबरदस्त है सरसी विथ हर टीयर 2 एंड क्या आपको उसे बिल्ड करना चाहिए। ऑब्वियसली आंसर इज येस, आपको उसे बिल्ड करना चाहिए, बट अगर आप उसे बिल्ड करते हो तो आपको उसे किस तरीके से खेलना चाहिए, अलॉन्ग विद दैट आप उससे क्या फ्यूचर में एक्सपेक्ट कर सकते हो एंड डू यू हैव टू इन्वेस्ट इन हर डेफिनेटली। तो चलिए उस टॉपिक पे बात करते हैं, बट बिफोर गोइंग इनटू दैट आज एक और दिन बीत गया। वी वर वेटिंग फॉर द स्नीक पीक, मैं वेट कर रहा था स्नीक पीक का बट वो नहीं आया। आई बिलीव कल या फिर परसों स्नीक पीक देखने को हमें मिल सकता है, पहला स्नीक पीक फॉर आर अप्रैल अपडेट, बट आई वोंट होल्ड माई ब्रेथ फॉर दैट। नेक्स्ट वीक भी हो सकता है, मंडे से भी आ सकते हैं, बट मेरा गेस रहेगा कल या परसों हमें स्नीक पीक देखने को मिलेगा। अलॉन्ग विद दैट मार्वल फ्यूचर फाइट हैज बीन प्रीटी एक्टिव इन सोशल मीडिया दिस डेज। तो आज एक यूट्यूब पे पोस्ट किया गया है वीडियो बाय मार्वल फ्यूचर फाइट, तो एक नए सीरीज शुरू कर रहे हैं मार्वल फ्यूचर फाइट ऑन देम सेल्फ विच इज नोन एज MFF मिशन पॉसिबल एपिसोड 1 रिलीज। तो एपिसोड के फॉर्म में रिलीज किया जा रहा है विच इज प्रीटी नाइस। मैं बोलूंगा दिस काइंड ऑफ एंगेजमेंट इज वॉट वी नीड टू मेक मार्वल फ्यूचर फाइट मोर फेमस या फिर टू ग्रो द कम्युनिटी, एंड ये काफी हेल्प करता है बिगिनर प्लेयर्स को, न्यूबी एंड अलॉन्ग विद दैट रिटर्निंग प्लेयर्स को जो कि गेम को छोड़ के जा चुके थे, बिकॉज अभी काफी सारे चेंजेस आए ओवर दिस अपडेट्स और बड़े ड्रास्टिक चेंजेस थे। सो आई बिलीव एवरीवन नीड्स गाइड ऑन दीस। मैं वीडियो पे नहीं जाने वाला हूँ बट आई विल जस्ट एक्सप्लेन यू व्हाट इज हैपनिंग देयर। तो MC मंडे एंड MC डिसम्बर दे बोथ प्ले द मार्वल फ्यूचर फाइट गेम, नल स्टेज क्लियर करते हैं, वो एक्सप्लेन करते हैं इन अ फन वे कि बिगिनर प्लेयर को क्या करना चाहिए या फिर रिटर्निंग प्लेयर को किस चीजों पर फोकस करना चाहिए, विच इज प्रीटी कूल एंड आई बिलीव और भी ऐसे एपिसोड्स हमें देखने को मिल सकते हैं। सो दैट्स प्रीटी स्वीट। मैं वीडियो नहीं प्ले करूंगा, यू कैन वॉच इट ऑन यूट्यूब। ऑब्वियसली कोरियन में है तो यू हैव टू यूज द सबटाइटल्स भी प्रोवाइड किए गए, तो दैट्स प्रीटी नाइस राइट। तो बहुत जबरदस्त है ये MFF मिशन पॉसिबल, तो दैट्स ग्रेट। और उसके अलावा अगर हम आते हैं आज के वीडियो में, तो अलायंस कॉन्क्वेस्ट खत्म हो चुका है, सो आई गॉट माई कंट्रीब्यूशन चेस्ट। तो बिफोर डाइविंग इनटू सरसी आई जस्ट वांटेड टू ओपन दिस विथ यू गाइस, बिकॉज अगर हम रिवॉर्ड्स की बात करें यहाँ पे क्या क्या रिवॉर्ड्स है, तो हम अरीना में जाकर अलायंस कॉन्क्वेस्ट में जाकर देन रिवॉर्ड्स पे क्लिक करके देख सकते हैं। कंट्रीब्यूशन चेस्ट में काफी जबरदस्त रिवॉर्ड निकल सकते हैं। मेगा रैंक अप टिकट निकलने का चांस है, या फिर 6-स्टार कॉमिक कार्ड निकलने का चांस है, या फिर और भी जबरदस्त रिवॉर्ड्स है। तो आई बिलीव मुझे एक 6-स्टार कार्ड मिल जाएगा तो आई विल बी प्रीटी हैप्पी, या फिर एक मेगा रैंक अप टिकट मिल जाएगा तो भी मैं काफी खुश हो जाऊंगा। सो लेट्स ओपन दिस चेस्ट अप और देखते हैं मुझे क्या मिलता है। ओके सो नॉन स्टोन ऑफ केओस, डैंग इट, इतना मेहनत करने के बाद नॉन स्टोन ऑफ केओस, भाई गुस्सा आ रहा है मुझे। तो चलिए फिर चलते हैं सरसी पे और सरसी को कर लेते हैं हम टीयर 2। सो मैंने काफी हद तक बिल्ड किया है सरसी को जितना मैं कर सकता था, एंड उसके आइसोइड सेट ने मुझे इतना तंग किया आज मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। आई वॉज रोलिंग फॉर पावर ऑफ एंग्रियल बिकॉज ऑब्वियसली आई नीड मोर अटैक स्पीड, तो मुझे ओवर ड्राइव हॉक्साई ड्रास्टिक डेंसिटी एनहेंसमेंट बाइनरी पावर देन अगेन ओवर ड्राइव फिर हॉक्साई ऐसे करके कई बार आया, एंड आई स्पेंट अबाउट 4-5 million गोल्ड जस्ट रोलिंग हर आइसोइड सेट, और फाइनली फिर पावर ऑफ एंग्री हल्क मुझे मिला। तो मेरे गोल्ड का सत्यानाश कर दिया सरसी ने, आई एम प्रीटी अपसेट अबाउट इट। और साथ में कस्टम गियर की बात करें तो क्रिट डैमेज 1 इग्नोर डॉज, और साथ में 140 प्रॉक है, 160 180 या 200 प्रॉक होता तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगता, बट क्या करे RNG इसमें भी ख़राब है और मेरे पास और कोई कस्टम गियर है नहीं देने को राइट नाउ, सो वी हैव टू मेक डू विथ व्हाट वी हैव। मैंने 3, 4 and 5 स्किल को कैप कर लिया, ऑब्वियसली गोल्ड लग रहा है इसलिए। फर्स्ट स्किल और सेकंड स्किल को मैंने कैप नहीं किया बिकॉज हम उसका इस्तेमाल नहीं करने वाले रोटेशन में। साथ में मैंने उरूज में एनर्जी अटैक, इग्नोर डिफेंस एंड क्रिट रेट उरूज दिए टू मैक्सिमाइज हर पोटेंशियल, बिकॉज इसके पास फ्रेंजी बफ नहीं है इन हर स्किल्स। अगर हम देखेंगे तो 3, 4 and 5 में किसी में भी फ्रेंजी बफ नहीं है, तो उसे क्रिट रेट का बफ नहीं मिलता, सो आई वॉन्ट टू मेक हर क्रिट रेट एज हाई एज पॉसिबल। क्रिट डैमेज ऑब्वियसली कस्टम गियर के चलते कैप हो चुका है, इग्नोर डिफेंस और स्किल कूलडाउन कैप है, तो प्रीटी मच इंपॉर्टेंट स्टैट्स मैंने कैप कर लिए, तो आई एम प्रीटी हैप्पी अबाउट इट। और उसके अलावा अगर हम इसे टीयर 2 करेंगे सो यू विल सी अ स्टैट बम्प। यहाँ पे एक टीम सेट है जिसमें मैं निक फ्यूरी का लीड और व्हाइट फॉक्स और सरसी को रखा हूँ, तो यहाँ पे हम इस टीम को हटा देंगे एंड विल चेक कि अगर हम सरसी को टीयर 2 करते हैं तो हमें क्या स्टैट बम्प देखने को मिलता है। तो 21,000 HP से 25,000 जाता है, तो वहाँ पे कुछ ज़्यादा इंक्रीमेंट नहीं हो रहा, बट एनर्जी अटैक 19,000 से 28,700 जाता है, तो ऑलमोस्ट 9.7 यानी कि 10,000 एनर्जी अटैक करीब करीब इंक्रीज हो जाता है सरसी का, विच इज प्रीटी स्वीट। तो यहाँ पर हम एक मेगा टीयर 2 टिकट यूज कर लेंगे बिकॉज ऑब्वियसली मेरे पास बहुत सारे हैं, एंड
पड़े रहते यार इन्वेंटरी में, सो आई जस्ट वांट टू यूज वन. और हमने कर लिया सरसी को टीयर 2 एंड ऑलमोस्ट एजेंट लेवल 131 तक हम पहुंच चुके थे, बट दैट्स प्रीटी स्वीट. तो अलायंस के साथ शेयर कर लेंगे, फ्लैक्सिंग करेंगे थोड़ी सी, साथ में हमें टीयर 2 पैसिव मिल जाएगा जिससे 30% इंक्रीज ऑफ ऑल अटैक टू ऑल इटर्नल एलाइज. तो काफी जबरदस्त सपोर्ट बफ प्रोवाइड करेगी सरसी, तो आई एम प्रीटी हैप्पी अबाउट इट. और 300,000 गोल्ड ऑब्वियसली हम क्लेम करेंगे बिकॉज वी नीड गोल्ड. ओके 200,000, सो वी गॉट दैट एज वेल. और अब अगर हम देखेंगे तो काफी जबरदस्त दिख रही है सरसी. अब क्या बचा है, सिर्फ कंटेंट मिले जाना बचा है, बट अपार्ट फ्रॉम दैट डैमेज वाइज तो इनसेन है. तो मेरा रैंक है 1825, नॉट द हाईएस्ट ऑफ द अटैक. और टीम अप की बात करें तो टीम अप में ऑब्वियसली वी आर यूजिंग निक फ्यूरी. तो निक फ्यूरी से हमें एक लीड मिलता है 50% इंक्रीज ऑफ ऑल अटैक. उसके अलावा उसके टीयर 2 पैसिव से हमें इंक्रीज डैमेज अगेंस्ट सुपर विलन बाय 55%. फिर वहीं व्हाइट फॉक्स के चलते हमें एक और टीयर 2 पैसिव से इंक्रीज डैमेज अगेंस्ट सुपर विलन बाय 60%. और उसके अलावा उसके यूनिफॉर्म पे मेरे पास इसका लाइफस्टाइल सीरीज 1 यूनिफॉर्म है, अब लाइफस्टाइल सीरीज 2 यूनिफॉर्म से ज्यादा मिलता है, 15% मिलता है, साथ में चेन हिट डैमेज और इग्नोर टारगेट्स डॉज रेट भी मिलता है. तो ये यूनिफॉर्म तो बहुत आतंक है, मैंने मिस कर दिया, बट आई विल गेट 10% इंक्रीज ऑफ ऑल अटैक. तो प्रीटी मच आई एम हैप्पी विद इट. तो काफी सारे बफ्स मिल रहे हैं और इस टीम अप के साथ सरसी का एनर्जी अटैक स्काई रॉकेट होकर 36,900 हो जाता है. और आप एक और टीम अप यूज कर सकते हो जिसमें आप इकारिस का लीड को यूज करोगे. वो टीम अप कहाँ पे है, ओके तो मैंने वो टीम अप फॉर्म नहीं किया है, बट आप यहाँ पे निक फ्यूरी की जगह इकारिस का लीड यूज करोगे. दैट इज प्रीटी मच द अदर टीम अप जो मैं आपको बोलूंगा यूज करने के लिए विथ दिस एग्जैक्ट टीम ऑफ सरसी. तो बिना किसी तरीके यार चलिए चलते हमारे वर्ल्ड बॉस कंटेंट में एंड लेट्स सी हम कैसा परफॉर्म कर पाते हैं सरसी के साथ. तो हम स्टेज 65 से शुरू करेंगे और वी विल गो विद दिस एग्जैक्ट टीम जो मैंने आपको बताया एंड वी विल टेक द स्ट्राइकर्स. तो यहाँ पे हमें डॉक्टर स्ट्रेंज और वेपन हेक्स चाहिए. वेपन हेक्स 2% ऑल डिफेंस डाउन स्टैकिंग अप टू 100% अप्लाई करेगी, तो 100% का स्टैक लगाएगी, जबकि सरसी अपने फिफ्थ स्किल से 50% ऑल डिफेंस डाउन का 3-4 बार हिट करके अप्लाई कर देगी 100%. तो कैप पूरा फुल कर लेगी. तो दैट इज हाउ द रोटेशन गोज. तो यहाँ पे सबसे पहले हम शुरू करेंगे निक फ्यूरी का 5 को पॉप करके टू गेट दैट बफ. ओके तो यहाँ पे एक बार डबल जंप करता है तो मैं उसका वेट करूंगा करने का. ओके लेट्स सी. ओके तो यहाँ पे मुझे डैमेज प्रॉक नहीं मिला, बट यू कैन सी प्रीटी मच वी ब्रॉट हिम डाउन टू हिज लास्ट फेज, राइट. मेरा डैमेज प्रॉक कैंसल हो गया था यहाँ पे, तो दैट्स प्रीटी नट्स. तो डेफिनेटली आपको बिल्ड कर लेना चाहिए अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो. आई एम श्योर मैं हूं जो सबसे लेट बिल्ड किया हूं सरसी को पूरे कम्युनिटी में. ओके तो फिर से मेरा प्रॉक कैंसिल हो गया. जीज हाँ, दिस इज द फर्स्ट टाइम आई एम प्लेइंग विद सरसी, तो कोई कट नहीं किया मैंने वीडियो में, राइट. अब देखते हैं निक फ्यूरी का 5 करेंगे. ओके फिर से प्रॉक कैंसिल हो गया, बट बिना प्रॉक के भी शी ब्रॉट हिम डाउन टू ऑलमोस्ट 6 बार्स, तो बहुत जबरदस्त है. ऑलराइट ओके दैट्स हाउ वी गेट इट. तो प्रीटी मच वन शॉट स्टेज 65 विथ माई कार्ड्स एंड माई बिल्ड, तो मैं तो बहुत डिसेंट मानता हूं इसे. ओके देयर वी गो. ऑल राइट सो 3-5 एक सेकेंड डिले करके 4 किया हमने एंड हमें वन शॉट मिल चुका है. तो दैट वॉज प्रीटी नट्स, मजा आ गया यार वन शॉट किया सरसी ने. और पोटेंशियल नहीं मिलेगा ऑब्वियसली बिकॉज दिस इज अ ट्रेनिंग मोड. बट स्टेज 70 पे जाके देखते हैं. द प्रॉब्लम इज मेरा वैलर थोड़ा कम है, इस वजह से आई वॉज हेजिटेंट टू गो देयर. मेरे पास लाइफ स्टाइल सीरीज 2 यूनिफॉर्म नहीं है, प्लस मेरा प्रॉक उतना अच्छा नहीं सरसी पर, मेरे कार्ड्स पे भी पियर्स भी कम है और काफी चीजें मिसिंग है मेरे बिल्ड में भी. तो ऑब्वियसली नॉट द बेस्ट बिल्ड. प्रीटी मच आप बोल सकते हो जैसा आपके अकाउंट पे बिल्ड होगा, लाइक अ फ्री टू प्ले बिल्ड, तो वैसा ही बिल्ड है मेरा भी. ओके सो दिस शुड बी अ वन शॉट. यस देयर वी गो, अब वन शॉट होने लगे है. तो दैट इज प्रीटी फन. स्टेज 70 वन शॉट, मैन दैट्स क्रेजी, राइट. बहुत जबरदस्त है सरसी यार, अगर आपने बिल्ड नहीं किया है तो यार बिल्ड कर लो. तो लेट्स सी स्टेज 75 नाउ. मेरे अकाउंट पे आई डोंट थिंक स्टेज 75 होएगा, कुछ ज्यादा ही हाई जा रहा हूं मैं, बट ठीक है देखते हैं यार, देखते हैं करके. ओके दिस इज प्रीटी नट्स. अगर ये स्टेज हो गया तो
तो देखते क्या करेंगे फिर हम। ओके ओ भाई स्टेज 75 व्हाट मैन विद इतना रेजिस्ट हमारा कम है। अब देख सकते हैं रेजिस्ट कितना कम है, लेट्स सी कितना कम है। ओके सो 5645 वैलर होना चाहिए जबकि हमारा 4555 है, तो ऑलमोस्ट 1000 वैलर कम है। ओके तो मेरा हाईएस्ट स्टेज 77 अनलॉक्ड है राइट, तो स्टेज 77 पे जाकर देखते हैं जो कि मेरा हाईएस्ट स्टेज है और वन शॉट करेगी तो आई विल बी प्रीटी हैप्पी विथ इट। ओके लेट्स सी स्टेज 77 डैंग मैं बावला हो जाऊंगा अगर इसने कर दिया तो। ओ भाई ऑलमोस्ट कर दिया इसने, दैट्स नट्स। ओके तो यहां पे ऑब्वियसली अब हमें 100% नहीं मिलेगा ऑल डिफेंस डाउन, बट टेक्निकली अगर मैं थोड़ा सही से टाइम करूंगा। ओके तो देयर वी गो, दिस इज प्रीटी मच टू शॉर्ट राइट, टू शॉर्ट स्टेज 77 इन माय अकाउंट भाई, अनबिलीवेबल, गॉड लेवल है यार सरसी, एक नंबर कैरेक्टर है। शी इज द बॉम्ब, शी इज द अल्टीमेट वन शॉट बॉम्ब, और क्या बोलूं मैं। तो देखा गया सरसी भयानक कैरेक्टर है, 77 स्टेज को हलवे की तरह क्लियर किया है सरसी ने, तो इससे ज्यादा मैं क्या तारीफ करूं सरसी की। इट इज लाइक अ मिनी मूनस्टोन, या फिर हम बोल सकते हैं मूनस्टोन का छोटा वर्जन है या फिर सस्ता वर्जन है। सो शी इज एब्सोल्युटली फ्री टू प्ले कैरेक्टर एंड इतना जबरदस्त डैमेज दे रही है, तो इससे ज्यादा मैं क्या तारीफ करूं यार, और बोलने को क्या बचा है। तो अब अगर मैं सरसी के बारे में आपको एक एडवाइस दूं तो मेरा एडवाइस रहेगा कि आप इसे टीयर टू करके बिल्ड करके रेडी रखिए, साथ में इसका सर्च फॉर पोटेंशियल को भी कंप्लीट कर लीजिए, यानी कि लेवल 70 जाने के लिए रेडी रखिए, बिकॉज अभी हर अपडेट के साथ हमें कुछ इटर्नल कैरेक्टर्स देखने को मिलेंगे बिकॉज दे आर फॉर्मिंग द इटर्नल टीम, ताकि जब मूवी आए तो सबको यूनिफॉर्म और टीयर 3 और अवेकनिंग देकर खत्म किया जाए राइट। सो एक एक करके यार इटर्नल्स को आप अपने रेडी कर लीजिए अपने अकाउंट पे, ताकि जब अपडेट आए, बड़ा अपडेट आए द इटर्नल्स मूवी का, तब आप रेडी रहे विथ एवरीथिंग दैट दे विल ब्रिंग टू यू राइट। तो मेरा सजेशन ये रहेगा, इकारिस के लिए भी मैं सेम बोलूंगा, और साथ में भी टीयर 3 सिलेक्टर जो मिलने वाला है उससे जस्ट पहले हमें लेवल एनहांस पोटेंशियल टिकट मिलेंगे, जिससे हम कैरेक्टर को लेवल 60 से लेवल 70 इंस्टेंटली ले जा सकते हैं यूजिंग दोस टिकट्स। तो वो टिकट्स को आप इकारिस या सरसी पे डेफिनेटली यूज कर सकते हो, बिकॉज वो टिकट्स आपके इन्वेंट्री में जगह लेंगे, 3 इन्वेंट्री के जगह ले लेंगे आपके, एक ठो लेवल 4 और फिर एक लेवल 5 और एक लेवल 6 टिकट है जो, तो आपके 3 इन्वेंट्री स्पेस खा जाएंगे। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि वो टिकट को आप यूज कर ले, बिकॉज उसमें ऐसा कुछ नहीं है कि प्रीमियम कैरेक्टर पे यूज करने पे ज्यादा वैल्यू है, फिर फ्री टू प्ले पे यूज करने पे ज्यादा वैल्यू है, बराबर ही वैल्यू आपको मिल रहा है इन रिटर्न, क्योंकि बायोस वगैरह जो भी लगते हैं वो बराबर ही लगते हैं हर कैरेक्टर पे। तो इसलिए मैं बोलूंगा यूज करके खत्म करिए, बाद में अगर जो आप रिसोर्स नहीं यूज कर रहे हो वो अल्टीमेटली कहीं और यूज करोगे, तो इट्स एन इक्विवेलेंट एक्सचेंज। तो ये मैं आपको सजेस्ट करना चाहूंगा, और अलॉन्ग विद दैट आपको सरसी कैसी लगी, आपने बिल्ड कर लिया है क्या सरसी को, लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन डाउन बिलो। 140 प्रॉक के हिसाब से तो मैंने काफी जबरदस्त डैमेज करके दिखाया है, स्टेज 8 पावर ऑफ एंग्री हल्क था, लेवल 3 लेवल खाली, 3 स्किल्स को खाली अपग्रेड किए हुए थे, साथ में कुछ उरूज दिए हुए थे, एंड शी इज हैविंग 36,000 एनर्जी अटैक विद द टीम अप राइट, बिना टीम अप के और भी कम है, बिना टीम अप के देखे तो 28.7 है, और मेरे कार्ड्स की बात करें तो मेरे कार्ड्स पे उतना क्रेजी एनर्जी अटैक भी नहीं है, व्हाट आई हैव 76% एनर्जी अटैक, तो काफी कम एनर्जी अटैक है मेरे कार्ड्स पे, अलॉन्ग विद दैट आई हैव 4% पियर्स, दैट्स अबाउट इट। सो या विद दैट आई होप यू एंजॉयड द वीडियो, इफ यू डिड यार वीडियो को चैनल को सब इफ यू एंजॉयड यार वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। मैं हंटर ऑन हाइव, मैं आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट, टेक केयर, शाओ, सायोनारा, बाय बाय, वोइला, दासुडानिया, अडियोस, चलता हूं यार, दुआओं में याद रखना। गोकू, सोंगोकू।